सभी दलों से आए हुए समाज सेवक और क्षेत्र की जनता जनार्दन और नौजवान साथी साथियों, यह आंदोलन 1 अगस्त से शुरू होकर आज 35वें दिन से गुजर रहा है और इस आंदोलन क्षेत्रीय संघर्ष समिति के तहत जो मांग रखी गई है उस मांगों में मैं स्वयं देखता हूं कि जो इस क्रॉसिंग पर उपरिगामी सेतु की जो मांग है, हम लोग अपने गांव से जब निकलते हैं तो जब चौराहे पर आते हैं तो वहां पर ट्रैफिक इतनी जाम हो जाती है कि नेशनल लाइन में जाने वाली जो ट्रक है और भी जो साधन है, फिर नेशनल लाइन में जाने वाले साधन है, गढ़वा रोड में जाने वाले साधन है, सभी उस चौराहे पर एक लाइन से लग जाते हैं और आम पब्लिक को आने जाने में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बलिया से जो साधन चल करके इन लाइनों से गुजरने वाले होते हैं सब के सब जाम लग जाते हैं, सब के सब ठप हो जाते हैं। मित्रों, तो यह जो है इस असुविधा को देख करके यहाँ ये मांग रखी गई है, तो ये तो मांग जनता ने रखा है, तो प्रशासन रेल प्रशासन को देख करके ये काम बहुत पहले पूरा कर देना चाहिए था। और भी जो मांगे हैं, यहाँ पर जब हम लोग कोई ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं तो स्टेशन पर टिकट की जरूरत होती है, वह टिकट जब बीच वाले प्लेटफॉर्म पर रखा गया है तो इसमें जाने के लिए या तो पुल से जाइए नहीं तो रेलवे लाइन क्रॉस करके जाइए, जो खतरा बना रहता है। तो मित्रों, यह मांगे बहुत ही उचित है जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर होनी चाहिए और जो सीनियर सिटीजन की जो मांग है, पहले ये चलता था ट्रेनों में उनके टिकट में छूट मिलती थी, उनको सरकार ने बंद कर दिया, ये भी मांग जो है कि उचित है, ये मांग मानी जानी चाहिए। और ट्रेनों का जो ठहराव का सवाल है, मित्रों जिले का एकमात्र यह रेल जंक्शन है और इससे भी छोटे छोटे जो स्टेशन है जो हम लोगों के बगल में चिलकहर है, ये कजमुद्दीनपुर है, यहाँ जा करके जो है कि ये ट्रेनें रुकती, एक्सप्रेस ट्रेनें चिलकहर में रुकती है, ये सारनाथ जा करके वहाँ रुकती है और सारनाथ को पकड़ने के लिए रतनपुरा से लोग आते हैं फिरना यहाँ पकड़ने के लिए, उन लोगों को काफ़ी असुविधाएँ होती है। तो मित्रों, इस तरीके के मांगे जो है, ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है क्षेत्रीय संघर्ष समिति के तत्वाधान में, तो शासन प्रशासन रेल प्रशासन के भी लोग जो है यहाँ आते जाते रहे हैं, यहाँ की रिपोर्ट जो है अपने उच्चतम अधिकारियों को भेजते रहे हैं, सबको जानकारी है। लेकिन यह आंदोलन 35वें दिन अनवरत चल रहा है, मैं समझता हूँ कि यह मांगे बहुत पहले पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन यह जो आंदोलन है इतना दिन तक चला है, जरूर इसमें इस जिले के जो जन प्रतिनिधि है, जो जिम्मेदार है, जिसको आप लोगों ने बनाया है, चाहे वह सांसद हो, विधायक हो, इन लोगों की भी कुछ न कुछ कमी जरूर है, तभी जाकर के यह आंदोलन इतना लंबा चल रहा है। तो साथियों, अभी जो जितने भी वक्ता थे, वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कहा, बहुत से लोगों के ने जो यह आंदोलन है, हमारे देश में यह आंदोलन की प्रथा को उस समय से जोड़ी जाती है जब हमारा देश गुलाम था, आज़ादी के लेकर के कई आंदोलन चले थे, उसमें बहुत से क्रांतिकारियों का भी नाम आ रहा है। मित्रों, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खासतौर से भगत सिंह, तो आंदोलन आज़ादी को लेकर के कई प्रकार के चले, एक शांति रूप से जो गांधीवादी तरीके से थे और एक तरफ ये जो शहीद भगत सिंह के जो खेमे के लोग थे, तो सरकारें जब नहीं सुनती थी तो इन लोगों ने कहा था कि इस बाहरी सरकार को सुनाने के लिए, अपनी आवाज को बताने के लिए धमाके की जरूरत है और उन लोगों ने किया भी था,
ब्रिटिश असेंबली में जाकर के अपनी आवाज बुलंद करने के लिए बदपेश और दर्द के साथ और शहीद भगत सिंह ने बम फेंकने का काम किया ताकि सरकार मेरी आवाज को सुने। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तकलीफ इस बात का है कि उस समय दूसरे देश अंग्रेजों की सरकार थी और यहाँ जो है हमारे ही बीच के भाइयों की सरकार है। ये बातें इतने दिन तक नहीं चलनी चाहिए, मांग मानी चाहिए, जानी चाहिए, ये जनता के हित में है, ये उचित है। मित्रों, तो मैं इस आंदोलन में हम लोग पूरी तरह से शामिल है और जरूरत पड़ी तो हम लोग जो भी यहाँ कार्रवाई होगी उसमें शामिल रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।